मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है नूरे हिदायत। कुरान और रमज़ान का हमें एक बड़ा गहरा एक ताल्लुक नज़र आता है, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इस ताल्लुक को तो कुरान ने खुद बयान किया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अक्सर कहा जाता है कि आप तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ें, आखिर ये तफसीर क्या है? तफसीर एक वजाहत का नाम है, तफसीर राय का नाम नहीं है कि मैं अपनी राय को उस आयत के ज़िम्न में बयान कर दूँ। लोग राय क्यों कायम करते हैं? एक फिक्र पैदा हुई कि कुरान से उनको कबूल कर लो जो साइंस के मुताबिक है, और जो साइंस से हकायक से मुताबकत नहीं रखती बातें फिर उसमें अपनी राय जनी से काम लो। फरिश्ते हमें को नजर आते हैं, इनकार कर दो। जिन्नात हमें को नजर आते हैं, इनकार कर दो। जन्नत किसने देखी है? इनकार कर दो, इनकार कर दो। कुरान पाक की एक आयत मुबारका है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यहाँ पर एक नज़रिया यूं भी पेश किया जाता है कि रसूल कहा गया है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, यहाँ तक कि क़यामत तक आने वाले वो रसूल के इस लफ्ज़ में दाखिल होंगे जो दीन की तबलीग कर रहे हैं। ये निरी राय है, जहन्नुम में ले जाने वाली राय है, ये वो राय है जो खुद कुरान के खिलाफ, ये वो राय है जो इजमाए उम्मत के खिलाफ है।